यूक्रेन च फसे भारतीयों नूं वापस लियाउण लई शुरू किया गया आपरेशन गंगा हुण जंगी पद्धर ते पहुंच चुकिया है। भारत दे इस मिशन च हुण एयरफोर्स दा बाहुबली यानी C-70 ग्लोबल मास्टर भी हुण मैदान च उतर चुकिया है। बुधवार नूं C-70 स्पैशल विमानां ने हिडन एयरवेज तों रवानी लई उड़ान भरी ताजो मिशन गंगा दे तहत वध तों वध भारतीयों नूं जंग दे माहौल चों सुरक्षित लियांदा जा सके। The government of India is deploying Ministry of military aircraft also to evacuate the students. हमारे जितने मिलिट्री हवाई जहाज हैं जो कि पैसेंजर्स को ला सकते हैं उन सभी को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, तो जितने लोग बचे हुए हैं भारतीय वहाँ उनको सबको निकालेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आइए वेलकम। बुधवार को रवाना हुए C-70 ग्लोबल मास्टर के जरिए भारत सरकार वालों राहत समग्री भी यूक्रेन भेजी गई है, जिस खाण के समान तो इलावा कंबल, गर्म कपड़े और टेंट भेजे गए हैं ताजो उत्थे फसे भारतीय नागरिकों के नाल नाल जंग कारण बेकार हुए लोगों को ठंड तो राहत मिल सके। इसमें सर अभी जो फैमिली रेजिस्टेंट है और ब्लैंकेट्स हैं जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यूज करने में सहायता करेंगे। अच्छा, ये आप कहाँ से आए हैं? मैं 8th NDRF गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, कितने लोगों के लिए लगभग आपकी ये तैयारियाँ हैं? ये हमारे पास लगभग 100 तो रेजिस्टेंट है और 167 के पैकेट है हमारे पास इसके ब्लैंकेट्स के, जिसमें लगभग 2500 के लगभग ब्लैंकेट्स हैं। अच्छा, इसमें अगर हम एक ऐसे औसत की बात करें तो कितने लोग इसमें एक समय पे आ जाएंगे जब ये टेंट लग जाएंगे? एक टेंट में 4 से 5 लोग आने की कैपेसिटी है इसमें। अच्छा, और 4x4 मीटर का हमारा टेंट है। ते हुण सवाल यही है कि जो एयर इंडिया के जहाज इस मिशन च जुटे हुए सन तो फिर C-70 ग्लोबल मास्टर की लोड़ क्यों पई? एयर इंडिया के जहाज़ च 200 से 250 लोगों की कैपैसिटी है, जदों के ग्लोबल मास्टर 500 से 700 लोगों एक बार लियाउण समर्थ है। मुश्किल हालातों C-70 की वरतों होंगी है। भारतीय फौज का C-70 जहाज पहला भी कई बड़े मिशन शामिल रहा है, कोरोना की दूजी लहर दौरान मददगार साबित होया सी। C-70 जरिए ही देश के बख-बख हिस्सों आक्सीजन के टैंक पहुंचाए गए। 2021 जो तालिबान ने अफगानिस्तान उत्ते कब्जा किया सी तां C-70 जरिए 600 भारतीयों को काबुल तो एयरलिफ्ट किया गया। 2020 भारत चीन तनाव के विचाले सैनिकों लिए रशिया समगरी इसे जहाज राही भेजी गई सी। इस तो इलावा हड़ तूफान या भूचाल वर्गे हालातों च रेस्क्यू लई C-70 की अहम भूमिका रही है। बिहार च आए हड़ दौरान तो इस जंबो विमान नूं एक हस्पताल च बदल दिता गया सी। जेकर C-70 ग्लोबल मास्टर की खासियत की गल की जाए, यह जहाज लद्दाख वर्गे मुश्किल ते पहाड़ी इलाके च आसानी नाल लैंडिंग कर सकता है। 4 इंजन ने रिवर्स गियर मौजूद है। राइफल छोटे हथियारों की फायरिंग का इस उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, यानी भारतीय फौज का इस मजबूत सैनिक हुण भारत के मिशन गंगा नूं सफल बनाएगा, क्योंकि कई बार मुश्किल हालातों च बड़ियां-बड़ियां चुनौतियां दौरान एयरफोर्स का एक ग्लोबल मास्टर सफलता के झंडे गढ़ चुकिया। इस वक्त सब तो वध भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन के खारकीव और राजधानी कीव च फसे हुए ने। हुण उम्मीद यही है कि हवाई सेना के C-70 ग्लोबल मास्टर के ऑपरेशन गंगा शामिल होने यूक्रेन च फसे सारे भारतीय जल्द सुरक्षित आपो अपने घर परत आउणगे।